मिर्गी जो है उसे आयुर्वेद में अपस्मार रोग के नाम से जाना जाता है। जो एक तरह का स्नायुगत वात रोग में इसको लिया गया है, जो मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र है उससे संबंधित ये रोग है। मस्तिष्क में कुछ इनबैलेंस होने के कारण, असंतुलन होने के कारण इस तरह का रोग होता है। इसमें सामान्य तौर से झटका आना, झाग निकलना और चक्कर आना, बेहोशी आना, कुछ समय के लिए अचेत हो जाता है व्यक्ति। इस तरह के लक्षण उसको ऐसे होते हैं। इसके कारण बहुत सारे बताए गए हैं, अनुवांशिक कारण भी बोला गया है और गलत आहार विहार के कारण से, लगातार मद्य पदार्थों का सेवन करने से, नशीली चीज़ों का सेवन करने से और ऐसी दवाइयों का भी सेवन करने से इस तरह के रोग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको एक तरह से वात और पित्त जनित रोग कहा गया है हमारे आयुर्वेद में। ठीक करने के क्या अचूक उपाय आयुर्वेद में बताया गया है, आदमी क्या क्या कर सकता है? देखिए, इसके मस्तिष्कगत व्याधि जो है उसके सबसे पहले उपाय तो उसमें योग और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। लोगों को एक खास अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है उसको करना चाहिए, और मस्तिष्क को बल देने वाली दवाइयाँ ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामासी और इस तरह की औषधियों का प्रयोग करना चाहिए चिकित्सक से सलाह लेकर। और विशेषता ऑयल का यूज कर नस्य देने का विधान है। बादाम तेल का नस्य देना चाहिए, बादाम तेल की सिर में मालिश करनी चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे उपायों के द्वारा वह अपनी इस बीमारी को न केवल नियंत्रित कर सकता है बल्कि पूरी तरह से ठीक भी कर सकता है।